अस्सलाम वालेकुम। अगर अभी आपको कोई वक्ती सिचुएशन बताओ तो उस पर गाना बना सकते हैं, आमद आ जाती है आपको? जी सपने में आ जाती, सपने में आ जाती। अभी ट्राई कर लेते हैं जी, प्लीज। सर आपका फेवरेट गाना कौन सा और उस पर स्टेप कौन सा अच्छा लेते हैं जितने भी लोग हैं उन्होंने झंडे के ऊपर मिली नगमा बनाया, लेकिन झंडे के अंदर जो डंडा है उसके बारे में किसी ने नहीं बताया, उसके बारे में मैंने बताया। ये मेरा अपना टैलेंट है। अभी जो है माशाल्लाह मैं राग लिख रहा हूँ, 11 राग जो है वो मैंने लिख लिए हैं। देखिए मेहदी हसन साहब चले गए, असद अमानत अली खान साहब वो भी चले गए, नुसरत फतेह अली खान साहब भी चले गए, अताउल्ला खान भी चले गए, रीता लूने वाले भी चले गए, शफाला रोखड़ी भी चले गए। किसी ने एक राग भी आज तक लिखा है? मैंने 11 राग जो है अपने बनाए हैं। ये मेरा अपना टैलेंट है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं किसी को कॉपी तो नहीं कर रहा हूँ। लोग इंटरटेन हो रहे हैं। देखिए जी माशाल्लाह मैंने अपने 11 राग जो है वो लिख लिए हैं, एक राग जो है राग मोहब्बत वो मैंने लॉन्च भी कर दिया है, तो करोड़ों लोगों की फरमाइश पर मैं थोड़ा सा गुनगुना भी देता हूँ, आप वो सुन लीजिए। तुन 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 तुन। अभी टाइम नहीं है, थोड़ा शॉर्ट टाइम में बाद में किसी टाइम तुन लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, ऑल द वे फ्रॉम पता नहीं कितों। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ अच्छा, हमको सिखा रिया है। मुझे लगा थोड़ी खुशियाँ आएंगी, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर पाया तो मैं क्या उखाड़ लूंगा। हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं। ऑल द वे फ्रॉम पता नहीं कितों। वाओ, ब्यूटीफुल। जुम्मा मुबारक, करोड़ों दिलों की धड़कन, पाकिस्तान की आन बान शान, उस्ताद चाहत फतेह अली खान। अच्छा, ऑल द वे फ्रॉम पता नहीं कितों उठ के आ गए, जदवाएंगे बर्दाश्त करो। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। मेहरबानी थोड़ी, ऐदा ना करो मेरे नाल। देखिए लोग मुझसे प्यार करते हैं, एक छोटे बच्चे से लेकर बड़ा आदमी भी जो है मेरे म्यूजिक को एंजॉय करता है। अभी मैं राग भी लिख रहा हूँ, माशाल्लाह मैंने 11 राग लिख लिए हैं, उनमें से एक राग मोहब्बत है, और ये राग मोहब्बत मैंने उस टाइम लिखा था जब रात को मुझे कोई चीज तंग कर रही थी, तो मैंने उठ के कलम पकड़ी और उसी के ऊपर मैंने राग लिख दिया। वाओ, ब्यूटीफुल। उस राग का नाम है राग मोहब्बत। करोड़ों लोगों की फरमाइश पर मैं थोड़ा सा गुनगुना देता हूँ राग मोहब्बत। तुन 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 तुन। अच्छा, ये राग जो है मैंने इस वजह से लिखा है क्योंकि हमारे जितने भी सियासतदान हैं, आप जानते हैं कि वो जैसे ही सियासत से फारग होते हैं तो उनको जेल में तुन दिया जाता है। अभी आप देखिए ना, इमरान खान साहब को भी उन्होंने जेल में तुन दिया है। हमारे प्यारे नवाज शरीफ जैसे ही सियासत से फारग हुए थे, उनको भी पकड़ के जेल में तुन दिया था, तो उनके दुख में शामिल होते हुए मैंने राग मोहब्बत लिखा। इसी तरह माशाल्लाह आप देखिए झंडे के ऊपर जो है वो लाखों लोगों ने मिली नगमे लिखे हैं, लेकिन मैंने अपने मुनफरिद अंदाज में मिली नगमा लिखा, झंडे को प्रमोट किया है। ये जो झंडा है, ये जो झंडा है, इसमें डंडा है। अब देखिए ना, सब ने मिली नगमा बनाया झंडे के ऊपर, बहुत माशाल्लाह मशहूर हुआ, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि झंडे के अंदर डंडा भी है। ये मेरा अपना टैलेंट है, सिर्फ मैंने बताया है, अवाम मुझे पसंद करती है, मैं करोड़ों दिलों की धड़कन हूँ, तो आपकी बड़ी मेहरबानी है, आपकी मोहब्बत है, ये करोड़ों लोगों की मोहब्बत है, मैं किस सिर से आपका शुक्रिया अदा करूँ, सिर के ऊपर बाल नहीं है। अच्छा, हमको सिखा दिया है। मोहब्बतें हैं, राग मोहब्बत मेरा कंप्लीट हो चुका है और मैंने लिख लिया है, उसकी धुन भी बना लिया है, और उसकी वजह से तकरीबन 2-3 बंदों को हार्ट अटैक हो चुका है। थोड़ा सा आपकी पुरजोर फरमाइश पर मैं गुनगुना देता हूँ। चले जब मैं लोगों को बताता हूँ ना कि मैं लिख भी सकता हूँ, तो मुझ पर यकीन नहीं करते हैं लोग कि आप लिख भी सकते हैं। ये जरूरी नहीं होता कि आप जो है वो गायक हैं तो आप लिख नहीं सकते। मैं आपके सामने हूँ, मैं गीत लिखता भी हूँ, और बहुत से जो है मैंने गीत अभी आने वाले वक्त में आगे आपके साथ शेयर करने हैं, लिखने हैं, तो आप मुझे फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए अभी आपका भाई रोड क्रॉस कर रहा है, तो रोड के ऊपर एक गाड़ी भी नहीं है, ये लोगों का प्यार है, मेरे लिए ट्रैफिक भी जाम हो जाती है। अब देखिए ना जी, आपका भाई जिधर भी जाता है गाड़ियों की एक लाइन लग जाती है, लोग गाड़ियाँ छोड़ के भाग जाते हैं। अब और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मुझसे, आप बताइए। सब लोग अपनी अपनी गाड़ियाँ खड़ी करके छोड़ के भाग जाते हैं, एक बंदा भी आपको सामने नज़र नहीं आएगा, कोई एक बंदा भी मुझे सिंगल आदमी एक दिखा दें तो मैं मुसीकी छोड़ दूंगा। माशाल्लाह जी, देखिए मैं वाह को बहुत पसंद करता हूँ, अभी मैं नेशनल लेने जा रहा हूँ, ये जितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह
ये मेरी नहीं है। मोहब्बतें बांटो, सिर्फ मोहब्बतें, नफरतें तो दुनिया में पहले ही बहुत सारी हैं ना। इन लोगों को पता था कि मैं इस रस्ते से आ रहा हूँ। सब लोग अपनी गाड़ियाँ एक तरतीब में लाइन से खड़ी करके अपने अपने घरों में चले गए हैं। इनको पता था कि उस्ताद जैमद अली खान साहब आ रहे हैं। ये सब मेरे सुरों का असर है। आप देखिए ना, मैं जहाँ भी जाता हूँ ये देखिए ना, बंदा ना बंदे की ज़ात और इतनी लंबी गाड़ियों की लाइन, ये सब मुझसे मोहब्बत करते हैं। मेरे एहतराम में गाड़ियाँ खड़ी करके छोड़ के भाग जाते हैं। ये सब मेरे सुरों का असर है। जहाँ पर भी मेरे सुर मैंने बखेरे हैं ना, कोई बंदे का पुत्र बच्चा नहीं है उधर। वेलकम बैक, लोकल मैसेज बैक आया, ऑल द वे इस पास आया तो नाली बारिश शुरू हो गई है। देखो ना जी, हम दरख्त तले खलोते हैं बारिश बचने वास्ते, रोड सारा गिला हो गया। तो बड़ी मेहरबानी, वीडियो में यहाँ तक मुझे बर्दाश्त करने के लिए नाजरीन, उन साहब की तरह जो तमाम राग का हशर नशर करते हैं, तमाम राग का हशर नशर करने के बाद दिल की अथाह गहराइयों से, डूंगे खड्डों और टोयों से नाजरीन आपका शुक्रिया कि आपने मुझे उन साहब की तरह वीडियो में यहाँ तक बर्दाश्त किया। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ रहें। मेरा नाम है आसिफ और आप देख रहे हैं सऊदी अरब से हमारा विलाग। मेरे भी जज्बात होते तले कर देते हैं चाचे। अस्सलाम वालेकुम, आज का स्पेशल मैसेज है खास तौर पे अरशद इंसारी साहब के लिए, जो कि 12वीं दफा माशाल्लाह लाहौर प्रेस क्लब के सदर बने हैं।